और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर करते हैं। देहरादून से ये खबर सामने आ रही है, दरअसल क्षैतिज आरक्षण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। विधायी विभाग ने सरकारी नौकरियों की भर्ती भी चिन्हित की है। आंदोलनकारियों आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि क्षैतिज आरक्षण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। विधायी विभाग ने सरकारी नौकरियों में भर्ती भी इसको लेकर चिन्हित की है, जहां आंदोलनकारियों और आश्रितों को अब 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्षैतिज आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है, क्षैतिज आरक्षण के बारे में तो सबसे पहले बताइएगा किस प्रकार का ये आरक्षण है और किन लोगों को या किन समुदायों को ये दिया जाएगा? देखिए नैन्सी, काफी लंबे समय से, कई सालों से इसके प्रयास किए जा रहे थे और जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य का जब गठन हो रहा था, उत्तराखंड राज्य अलग से जब गठित हो इसके लिए आंदोलन किया जा रहा था, इस राज्य निर्माण के आंदोलन में आंदोलनकारियों ने जिन्होंने शहादत दी है उनके आश्रितों को, उनके परिजनों को, और जिन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई है, जिन्होंने संघर्ष किया है, इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, उन लोगों को जो है वो सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की मांग की जा रही थी। इसमें राज्य आंदोलनकारी जो मंच है उसने पहल की और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया, जो शासकीय प्रक्रिया थी उसको पूरा किया। हालांकि इसमें कई साल बीत गए और उसके बाद ये क्षैतिज आरक्षण का विधेयक तैयार किया गया। जैसे ही ये क्षैतिज आरक्षण का विधेयक तैयार हुआ उसके बाद सदन के पटल पर इसको रखा गया और पक्ष विपक्ष के विधायकों ने जब पहले सदन सत्र आहूत हुआ तो सदन की कार्रवाई के दौरान इस पर जब चर्चा की तो इसमें कई खामियां सामने आई और इन खामियों को पूरा करने के लिए, खत्म करने के, समाप्त करने के लिए एक प्रवर समिति संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अध्यक्षता में गठित की गई और उस समिति ने कई दौर की बैठकें की और जब समिति ने बैठक की तो इन बैठकों में इनकी जो इस विधेयक की जो खामियां थी उन खामियों को दूर किया और फिर से इसको संशोधित विधेयक के तौर पर सदन के पटल पर रखा गया और सदन से इसको पारित किया गया। उसके बाद फिर ये राज्यपाल तक पहुंचा और जब ये राज्यपाल की स्वीकृति इसको प्रदान हो गई तो अब इसमें अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसका रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया कि जिसने राज्य निर्माण के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिनकी शहादत हो गई है, उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि राज्य के निर्माण के जो आंदोलनकारी हैं उनका चयन करने का कार्य अभी भी कुछ क्षेत्रों में जारी है, तो ऐसे में ये लाभ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है और इसका रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार इस कवायद में जुटी हुई थी और जो लंबे समय से मांग की जा रही थी, अब क्षैतिज आरक्षण की चूंकि अधिसूचना जारी हो गई है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है उन तमाम युवाओं को, उन तमाम लोगों को, उन तमाम युवतियों को मिलने वाला है जो राज्य आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनके परिजन हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, शहीदों के आश्रित हैं। तो ये सरकार की पहल है और ये राज्य आंदोलनकारियों के लिए, राज्य के निर्माण के आंदोलनकारियों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल सरकार की है और लंबे समय से ये प्रयास किए जा रहे थे तो अब उनकी मुराद पूरी हो गई है और अब आगे की प्रक्रिया जो है वो सरकारी सेवाओं में युवाओं को मौका देने की वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अब देहरादून में क्षैतिज आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और अभी साफ है कि आंदोलनकारियों और आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।